नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शहर में 34 नए यूनिपोल लगाने के प्रस्ताव पर मेयर इन काउंसिल ने लगाई रोक, वहीं शहर विकास के 14 प्रस्तावों पर बनी सहमति। गड़ा धन निकालने के नाम पर ग्रामीण को लगाई 7 लाख की चपत, कुंडम ब्लॉक का मामला, एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में आई शिकायत। पड़ोसी के द्वारा घर की सीढ़ियों पर कचरा फेंके जाने को लेकर आए दिन होने वाले विवाद से त्रस्त शीतला माई निवासी एक महिला ने कलेक्ट्रेट के जनता दरबार में मदद की गुहार लगाई। जनसुनवाई में पीएफ की राशि नहीं मिलने, सरपंच सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार करने समेत प्रशासनिक कार्यों में की जा रही लेट लतीफी से संबंधित अन्य शिकायतें प्रमुख रही। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में घमापुर शीतला माई से आई लीला देवी पटेल ने शिकायत दी है कि उनके पड़ोसी नितिन के द्वारा उनके घर की सीढ़ियों पर कचरा फेंका जाता है और आए दिन विवाद किया जाता है। सर, मैं सरकारी कुआं शीतला माई रोड पर रहती हूं, अकेले रहती हूं, और मेरे पड़ोस में नितिन विश्वकर्मा रहता है। इसकी पत्नी, इसकी माँ, ये तीनों मेरे घर आंगन और बाथरूम के सामने एक बड़ी सी खिड़की खोल रखी है, उसमें से गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देता है, और मना करने पर कि कचरा मत फेंको और गाली गलौज मत करो तो वो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। और मैं कचरा समेट रही थी, गीला कचरा था, उसमें मेरा पैर फिसला तो मेरा दो जगह से हाथ फ्रैक्चर हो गया है। उस पर भी मैं एसपी ऑफिस भी गई थी तो उन्होंने वहाँ पे घमापुर थाने वालों को बोला, लेकिन वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते, आते हैं देख के चले जाते हैं, उसकी सुन लेते हैं, कंप्लेन मेरी लिखते करती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ वो खिड़की बंद कर दे और टीन की ढाल जो मेरी छत में बना रखी है उसका पानी वो अपनी तरफ गिराए, मेरे घर मकान का नुकसान हो रहा है और ताका झांकी करता है, वो बुरी नज़र से धमकियां देता है मुझे। ग्राम पंचायत गुबरा कला के सरपंच पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए किशन लाल ने जांच कराने की मांग की है। मैं ग्राम पंचायत गुबरा कला सहपरा तहसील और जिला जबलपुर से आया हूँ। सरपंच द्वारा पूर्ण भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे किसी प्रकार का निर्माण हो उस पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अवैध रेत भी निकाली जा रही है, जिसके बारे में मैंने एसडीएम महोदय, सहपरा सीओ और जिला कलेक्टर महोदय को पहले दे चुका हूँ आवेदन, और जनपद जिला पंचायत सीओ को भी दे चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसमें जब मेरे को ये शंका हो रही कि जनपद पंचायत जो सीओ है संबंधित ग्राम पंचायत गोपंती है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके और अवैध रेत निकाली जा रही है, जबकि बार बार मेरे आवेदन देने के बाद में कोई उच्चाधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। उसका कारण यही हो रहा है कि इसमें मिले हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी, मैं ये मांग करता हूँ कि जिला स्तर से ही कलेक्टर महोदय इसकी जांच टीम बना के जाँच करें, जिससे मुख्यमंत्री की शासन की योजना के अनुसार जीरो टॉलरेंस के अनुसार मध्य प्रदेश में जो चल रहा है उसके अनुसार कार्य हो सकें। कांचघर क्षेत्र से आई नीलम ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, जिसके लिए उसे ऋण की आवश्यकता है चलने में, तो इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, और मैं मतलब माँ बाप की अकेली लड़की हूँ, तो मैं सोचती हूँ कलेक्टर साहब से थोड़ा 10,000 की लोन की उम्मीद हो जाए, मतलब दे दें वो मुझे। हाँ, तो मैं फिर कुछ अपना स्टार्ट करूँ, कुछ भी काम छोटा मोटा जो मुझे समझ में आए, तो यही चाहती हूँ मैं। पीएफ की राशि नहीं मिलने की शिकायत भी जनसुनवाई में आई। सदर से आया हूँ सर, ऐसी सी बात है, पैसा 6-7 साल हो गया था, मैंने पैसा नहीं आया, अब कहाँ करेंगे, अब पैसा रुक जा रहा लग रहा है, तो इस कारण पैसा है? ये पीएफ ऑफिस में। कब से फंसा है आपका? कम से कम 8-9 साल हो रहे हैं। कहाँ कहाँ आवेदन दे चुके हैं? नर्सरी में दिए हैं, नर्सरी से वहाँ से दिए, फिर यहाँ भी दिए 2-3, वो भी नहीं आया। कहाँ काम करते थे? नर्सरी में। जनसुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 24 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रही। रांझी मानेगांव से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें दिवंगत बताकर बेटे ने मकान का नामांतरण करा लिया और टैक्स जमा करने भी लगा, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। रांची मानेगांव से नगर निगम मुख्यालय पहुंचे एक बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि बेटे ने उन्हें मृत बताकर मकान अपने नाम चढ़वा लिया है और टैक्स भी जमा करने लगा है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब वे नल कनेक्शन लेने के लिए रांची जोन कार्यालय पहुंचे। हम रांझी में हमको मुर्दा बना करके खत्म हो गए,
अपना नाम करवा लिया, चेक जमा कर दिया, हमसे पैसा लिया चेक जमा करके, अभी को मुर्दा बना दिया। आपको मुर्दा बना के और चेक जमा कर दिया? हाँ, हम अपने नाम से, हम गए थे हमारे दावे रहे। अब कारण ये हुआ कि हमको पानी लेना था, तो उसके गए कि चलो वहाँ से पता लगाते कैसे होगा, पानी के जमा कर दूंगा, हमारा टंकी बना है। तो बोला कि आपका दावे दे हम नल कनेक्शन के। हाँ, नहीं मिलेगा कनेक्शन, तो वही बात है भैया। रामपुर तिराहे के पास से आए एवं भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड से आए लोगों ने अतिक्रमण की शिकायत की और सख्त कार्यवाही की मांग की। कि रामपुर पेट्रोल पंप है जो आदर्श नगर ग्वारी घाट रोड पे, उसके सामने नॉन मोटराइज ट्रैक करोड़ों की लागत से गवर्नमेंट ने बनाया और यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। वहाँ दो तीन डंपरों में गिट्टी, दो तीन डंपरों में डस्ट, दो तीन डंपरों में रेता डाल रखी है और अब कल वहाँ पे एक जाल भी बिछा रहे हैं लोग, किसी चीज़ का तो जाल भी है रोड पे बांधते हैं। छः दिन हो गए लगातार मैं व्हाट्सएप में कमिश्नर महोदय के भी डाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मेरा ये निवेदन था आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण हो, जिससे साइकिल जो चलाते हैं नॉन मोटराइज ट्रैक पर उनको सहूलियतें प्रदान करें। मेरे घर की नाली के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, तो 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, संबंधित अधिकारी जाते भी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सामने वाले ने अपना पॉलिटिकल प्रेशर डाला हुआ है, इस वजह से शायद कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन अतिक्रमण करता है जो आपका? एक कृष्णकांत तिवारी नाम से हैं, उन्होंने पूरी नाली के संबंधित अधिकारियों में फोटो के साथ सब संलग्न किया हुआ है मैंने, और लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बड़ा परेशान हूँ, 6 महीने चक्कर काट रहा हूँ मैं यहाँ पे, अभी बारिश के समय पानी भरे आता है पूरा, हम लोगों के यहाँ वापस पानी आता है, नाली पूरी बंद करके रखी हुई है उन्होंने। महबूब नामक व्यक्तियों ने हमारे घर के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है, 2 कमरों पर हमारे बरगद गूलर और नीम के पेड़ को अंदर किया हुआ है। गली में उन्होंने लेटरिन बाथरूम बनाई हुई है, उसी से लगी हुई गली में 10 साल से, सन 10 से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पहली बार कमिश्नर साहब ने सुनवाई की, थोड़ी सी अतिक्रमण टूटी और इन लोगों ने आधा अतिक्रमण तोड़े हैं, आधा नहीं तोड़े। अब पेड़ के पीछे हमारी आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, हम कितना बड़ा पेड़ को कैसे तोड़ दें अपने हाथ से, पेड़ को अपने कब्जे में लेके दीवार उठा लिया, आधा पेड़ उठा लिए। अब बताएं आप क्या समस्या, हमारी सुनवाई सन 10 से हम लोग आ रहे हैं। अतिक्रमणों की शिकायत करने वालों ने कहा कि शिकायतों का निराकरण नहीं कराया जाता है, इसलिए बार बार शिकायतें करनी पड़ती हैं। 1 फरवरी 2023 को सिविल लाइन स्थित गुरुकृपा होटल में काम करने वाले कर्मचारी हेमंत पासी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच की मांग उनके परिजनों ने की है। एसपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सागर से आए हेमंत के माता पिता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। एसपी कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सागर से आई उषा पासी ने अपने बेटे हेमंत की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने होटल गुरुकृपा में काम करने वाले हेमंत के साथी कर्मचारियों पर विवाद की आशंका जाहिर की है और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बहुत परेशान है, 6 महीने हो गए हैं, वो तो काम करने आया था सागर से है और अच्छे से रहता रहा, सब कछु जाने मालूम क्या हो गया और आज तक कुछ सुनाई नहीं हो रही हमारे लड़के की। क्या हुआ था बेटे? कुछ नहीं हुआ, वो तो काम करने आया था, इधर काम करता रहा, अच्छे से सबका चुप करता रहा है और जाने मालूम क्या हो गया, गुरु कृपा में करता रहा होटल में। कितने महीने से करता था काम? ज़्यादा नहीं भाई थे उसको, 2 महीना भाई थे काम करे। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम सागर के हैं। तो यहाँ काम करने आया था? हाँ, इधर काम करने आया था, हम सागर से आ रहे भैया। कितनी उम्र है बच्चे की? अब 30 साल को है, तो 32 साल। शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं भाई थी। कितने बहन भाई हैं? लोग 3 बहन हैं। आप क्या चाहते हैं? हम तो जो चाहते हैं हमारा तो न्याय मिले हमारे लड़का को, अभी तक कुछ सुनाई नहीं हो रही है, हमारा तो एक ही लड़का था, हम क्या करें भैया बताओ। आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ उसको? हमें तो जो लग रहा है लोग ने चुप कर दिए हमारे लड़का को, बनारस के लड़का है, होटल में काम करता रहा गुरु कृपा में और जाने मालूम क्या हो गया, कहा नहीं उन लोग कुछ नहीं बोल रहे और पुलिस ये बोल रही है कि पता चल जाएगा तो हम बता देंगे, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, रिपोर्ट नहीं आ रही है पीएम की। गहा धन निकालने के नाम पर 7 लाख रुपए का चूना लगाने वाले तांत्रिक की शिकायत लेकर कुंडम ब्लॉक से आए प्रकाश ने भी जनसुनवाई में अपनी आपबीती बयां की और उचित कार्यवाही करने की गुहार लगाई। एक जावेद अली करके नाम है, उसको जादू टोना जानता था, फिर कल्लू के साथ आता था, कल्लू और गोपाल मरकाम के साथ, वो मेरा कल्लू दोस्त था, उसने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा
ये काम करता है तंत्र मंत्र की विद्या से गड़ा धन निकालता है, तो वो ऐसे करके वो खुद ने आया घर पे तुम्हारे ऐसा ऐसा हो गया करके, तो बोले खेत में जाके उसने गड़ा धन क्या किया, पैसा लगेंगे खर्चे लगे करके मेरे 7 लाख रुपये मिनिमम जुड़ किया। कौन है ये? जावेद अली करके, बुरंदी में रहने वाला। आरती नागले नामक युवती ने भी अपनी परेशानी बयां की। जनसुनवाई में लगभग 80 से अधिक शिकायतें आईं। तभी यहाँ पे CSP साहब के साथ बैठा के जनसुनवाई ली गई। करीब 90 के ऊपर जनसुनवाई में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शिकायतें घरेलू हिंसा और पति पत्नी के बीच विवाद की हैं, जिस पर समझाइश के लिए संबंधित अधिकारियों को बताया गया है। कुछ शिकायतें जमीन संबंधी मामलों की हैं, जिस पर संबंधित CSP साहब को बताया गया है कि उसको जाँच करके उसके विधि संगत कार्रवाई करें। एक भी सभी बातों पर जिले के ऐतिहासिक एवं सिद्ध मंदिरों की फहरिस्त में शामिल दमुना का स्थित हनुमान मंदिर का इतिहास 200 वर्ष से अधिक पुराना है एवं भगवान बजरंगबली की प्रतिमा स्वयं ही यहां प्रकट हुई थी और उसे मंदिर में स्थापित किया गया, तभी से इस टेंपल से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार के अलावा भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दमुनाका चौक पर स्थित मंदिर में विराजित स्वयंभू हनुमान भगवान से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में संकट मोचन का पूजन करने से प्राणी मात्र के समस्त कष्टों का निवारण होता है और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बचपन बीत गया उससे तब से आ रहे और सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है अपने बाबा जी की। किस जगह पर स्थित है ये मंदिर? दमुनाका चौक पर। कल उनके आशीर्वाद से अपन चले चल रहे, रोज के दर्शन बने हुए, रोज दर्शन करना है, रोज मंदिर आना है, उनके दर्शन के बाद ही हम आगे बढ़ते दूसरे काम। ये दमुनाका के चौराहे पर बरसों पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ सभी मनोकामनाएं बरसों से लोगों की पूर्ण होती आ रही है, क्योंकि यह दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। इसमें बरसों से मैं देख रहा हूँ कि जो भी मनोकामनाएं पूरी करते हैं यहाँ पूर्ति होती है। कि वैसे भी कहा गया है कि नासे दो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान जी के सामने हनुमान जी सर्वला आप नतमस्तक हो जाइए, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, सारे रोग आपके हरेंगे। ये हनुमान जी का मंदिर हनुमान चौक पे काफ़ी बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मनोकामना पूरी होती है। मैं भी यहाँ काफ़ी समय से आ रहा हूँ और जो भी श्री हनुमान जी से मांगता हूँ वो पूरी करते हैं, श्रद्धा पूरी करते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी का कहना है कि इसका अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन 200 वर्ष से पुराना बताया जाता है। खास बात यह है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। मराठा कलीन का मूर्ति स्वयं बता रही है, है? और जी पहले उत्साह रहा, फिर यहाँ आया, कम से कम जी बहुत पुराना मंदिर है। लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? 150 वर्ष पुराना मंदिर है, यानी प्रतिमा स्वयं अंकित कर रही है। मंदिर में मंगलवार एवं शनिवार को भक्तों के द्वारा बजरंग बली का विशेष पूजन किया जाता है। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागन महिलाओं के द्वारा मंगला गौरी का व्रत रखकर विधिवत पूजन किया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास की मंगलवार को मां मंगला गौरी व्रत का विधान है और इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन मास के मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत रखने से मनचाही कामना पूरी होती है और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इस मौके पर बंधैया मोहल्ला क्षेत्र स्थित मंगल चंडी माता मंदिर में व्रतधारी सुहागन महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती की पूजा का विधान है और विधि विधान से पूजन करने पर माता प्रसन्न होती है और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती है। मंगला गौरी का दिन है, सब भक्त जन आते हैं यहाँ पूजा करने। हम भी हर मास यहाँ पे पूजा करने आते हैं। मंगला गौरी का यहाँ पे मेला भरता है, यहाँ हर व्यक्ति आता है, पुरुष महिलाएं बच्चे सभी आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। यहाँ मेला लगता है, हर प्रकार की चीज़ मिलती है यहाँ पूजा में चढ़ाने के लिए। विशेषता है माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती है। हमारे पास बच्चा नहीं था तो हम बच्चा प्राप्त हो गया। माता रानी का पूजन करते अपना मंगल दोष जो उनके ऊपर रहता है वह समाप्त के लिए और माता भगवती की कृपा से वह समाप्ति हो जाता है और अपने पति की दीर्घायु एवं बच्चों बालकों की दीर्घायु के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इसमें
16 दुबा, 16 चकोड़ा, 16 चने की दाल, 16 दीपक, 16 अक्षत, अन्य सभी चीज़ 16-16 चढ़ाई जाती हैं और भगवती मंगलचंडी उनके पतियों की दीर्घायु करते हैं। शहर में 34 नए यूनिपोल लगाने के प्रस्ताव पर मेंबर इन काउंसिल ने रोक लगा दी है। हालांकि MIC की बैठक में शहर विकास के करीब 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर भी लगाई गई है। पारित हुए प्रस्तावों में 50 करोड़ रुपए की लागत वाला सोलर प्लांट का प्रस्ताव भी शामिल है। नगर निगम में जल्द ही लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को मेयर एंड काउंसिल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही MIC ने शहर के 34 यूनिपोल और 3 LED लगाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इसके अलावा गार्बेज ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित करने एवं चंडाल भाटरा ट्रांसपोर्ट नगर की जांच शीघ्र पूर्ण कर लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव पर भी मंजूरी प्रदान की गई है। मेयर इन काउंसिल की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर सदन की ओर से अग्रसित की गई। अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी संघ ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। कर्मचारियों का कहना है कि 2016 के पहले तक के समस्त दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का वादा सरकार ने किया था जो अब तक अधूरा है। वर्ष 2016 के पहले तक के समस्त दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए, नगर निगम को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति में अघोषित कटौती बंद की जाए एवं प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजा जाए, इन तमाम मांगों को लेकर नगर पालिका निगम कर्मचारी संघ ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि यह हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जा रहा है। प्रदेश व्यापी हड़ताल है, ये मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ झूठे घोषणाएं, आश्वासन, लालीपॉप अब नहीं चलेगा। इतने वर्षों से आप हमको सिर्फ यही करते आ रहे हैं। अभी आपने बोला हम नियमितीकरण कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो कहाँ दे रहे हो आप? हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित किया जाए, बहुत सारी मांगे हैं हमारी। इन मांगों को लेके आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। आने वाले समय में हम प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान करेंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की हो। आज मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। हमारी मांग है संपूर्ण प्रदेश के 1 सितंबर 2016 तक के समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो, तृतीय और चतुर्थ पदों का सृजन करते हुए समस्त विनियमित कर्मचारियों का रेगुलाइजेशन हो, पदोन्नति हो, क्रमोन्नति हो, चुंगी क्षतिपूर्ति में जो अघोषित कटौती की जाती है वो बंद हो, स्थापना व्यय 65% से बढ़कर 75% हो। नगर निगम कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पदोन्नति किए जाने, वेतन विसंगति दूर करने समेत कुल 26 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में साप्ताहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। इसी सिलसिले में संगठन ने शासन के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र शासन के नाम पर सौंपते हुए बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा उनमें रोष व्याप्त है और यही वजह है कि संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया है। आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान पर 52 जिलों में 26 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें कि हमारी प्रथम मांग है रतनाम परिवर्तन होना, वाहन चालकों का जो है उसको नियमित करना, और भी मांगे हैं, तो पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के बारे में है जो कि पूरा प्रदेश लगा हुआ है,
जब इन्हें सांसद पार्षद विधायकों को ये पेंशन मिल रही है तो हमारे कर्मचारी जो 30-30, 40-40 साल सेवाएं कर रहे हैं तो इन कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। इसलिए हमारा जो आज ये ज्ञापन है, अगर से हमारी इन मांगों का निराकरण नहीं होता तो हमारा पूरा प्रदेश उग्र आंदोलन करेगा। कर्मचारियों की 26 सूत्री मांगों के संबंध में ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर पर कर्मचारियों की जो मांगे हैं, पदोन्नति न की जाना, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन न दी जाना, मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना का लाभ न दिया जाना, समयमान वेतन न दिया जाना, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भर्त कर्मचारी जिन्हें पदनाम परिवर्तित किया जाना है, ऐसी मांगों को लेकर के आज ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम का यहां पे दिया गया है। सरकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है, उनकी 24 सूत्री मांगे हैं। यह ज्ञापन विधि अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। वहीं मांगे पूरी ना होने पर 11 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहने की चेतावनी दी है और 10 सितंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का भी निर्णय लिया है। 27 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में संजीवनी नगर स्थित नवनिवेश कॉलोनी में हुई एक नवविवाहिता की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उनके परिजनों के द्वारा की गई है। एसपी कार्यालय पहुंचकर उनके द्वारा एक पत्र भी एएसपी को सौंपा गया है। कटंगी बेलखाड़ू में रहने वाले जुगल किशोर नगाइज ने अपनी बेटी की मौत पर उसके ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का शव 27 जून को फांसी के फंदे पर लटका मिला था और इसमें उनके ससुराल पक्ष एवं पति कृष्ण कुमार की भूमिका भी संदिग्ध थी। हमारी बच्ची के साथ फांसी का रूप दे रहा है, लेकिन हमारी बच्ची ने फांसी लगाई नहीं है। नंदन और दोनों नंदन और लड़के ने मिलकर के, साथ में वो नानी साथ थी, इनने मिलकर के उसको मारा है, वो फांसी का रूप दे दिया है। किस तारीख की घटना है ये? 27 तारीख को है। आप क्या चाह रहे हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको, हत्यारे को, जिसमें दूसरों की बेटी के साथ ऐसा कदम ना उठाया जाए। तो आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर बेलखाड़ू में है। जहाँ आपने शादी की थी बच्ची? वो गंगानगर न्यू निवास कॉलोनी में है। कहाँ पे है ये? गढ़ा के पास, गढ़ा पुरवा में है, जबलपुर में है। इस मामले की जांच कराने का एएसपी ने आश्वासन दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।